बंदूक के बम और बम और ग्रेनेड उठाकर चल रहे हैं और लोगों के ऊपर जाकर फायरिंग करें, या आप स्टेट के खिलाफ जाकर फायरिंग करें, आप आर्मी के ऊपर गोलियां चलाएं, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाएं, सरकारी दफ्तरों को डिस्टर्ब करें, वैंडलाइज कर दें, ये किसी किस्म का सिविलाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है। बुरहान वानी ठीक है, वो अपना इंडॉक्ट्रिनेटेड ब्रेन वॉश्ड और मिसगाइडेड लड़का था, जैसी उसकी सोच थी वैसे था, लेकिन जो उसका तरीका था वो ठीक नहीं था। और कश्मीर में और दुनिया में हर जगह भी जहां पर भी आर्म्ड अग्रेशन होगी, उसको जो उस कंट्री का जो जो निजाम है वो इसी तरीके से फाइट करेगा जैसे कश्मीर में किया। इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं है। यहाँ भी बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ जो करते हैं क्वेश्चन करते हैं, जो स्टेट की रिट को क्वेश्चन करते हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जिस तरीके से निबटती हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके निबटती हैं हमसे। ठीक है, इस पर जाहिद अहमद साहब आपने सुना कि रुचिका ने कहा, रुचिका का कहना है कि आर्म्ड अग्रेशन अगर होगा, सरकारी दफातर को आग लगाई जाएगी और इंडियन आर्मी पे फोर्स पे अगर हमला किया जाएगा तो फिर इस तरीके से उनको टैकल किया जाएगा। और बुरहान वानी एक ब्रेन वॉश लड़का था। देखिए यहाँ पे ये एक फंडामेंटल एक डिजीज है, कैंसर है इंडियन मेंटालिटी में, कि दे कैन नॉट सीम टू अंडरस्टैंड कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। ये इंडिया का टूट अंग नहीं है, इंडिया के फाउंडिंग फादर्स ने यूनाइटेड नेशंस में लिख के दिया हुआ है, और अपने उस लिखे को जिसमें वो एक्नॉलेज करते हैं कि यहां प्लेबिसाइट कराया जाएगा और जहां पर यूनाइटेड नेशंस के डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये शामिल होता है। कश्मीर पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की वहां की लोकल पॉपुलेशन है वो सब पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। बुरहान वानी को पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दफन किया गया। खुद इन हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में इंडियन गवर्नमेंट कह चुकी है दे आर आर ओन बॉयज, यानी इनको पाकिस्तान और आईएसआई सपोर्ट नहीं कर रही है, लोकल इंसर्जेंसी है, रेबिलियन है। दे से इन इंग्लिश व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ रेबिलियन बिकम्स अ ड्यूटी। और इस वक्त दुनिया में फ्रीडम फाइटर्स जहां भी काम कर रहे हैं, इन हमारी आपकी मेहमान ने इंसल्ट की है उन फ्रीडम फाइटर्स की लेजिटिमेट स्ट्रगल को, चाहे पैलेस्टाइन हो चाहे वो कश्मीर हो। इंडिया एक ऑक्यूपेशन कंट्री है, राइट? लोकल पीपल ऑफ कश्मीर डू नॉट रिकग्नाइज इट, यूनाइटेड नेशन डज नॉट रिकग्नाइज इट। किस मुंह से ये बात टूट अंग की करते हैं? देयर इज नो शेम, देयर इज नो डिग्निटी इन इंडियन पॉलिसी राइट नाउ कि ये बेशर्मी के साथ अपने रिटन दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को, अपनी पास हिस्ट्री को डिनाई करके एक कैजुअली कामली। ठीक है रुचिका, आपने जायद आहमद साहब को सुना कि मकबूजा कश्मीर एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और जो कुछ वहां पर हो रहा है उसको बलूचिस्तान के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। पोलाइटली और रिस्पेक्टिवली डिसएग्री, जायद आहमद इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म व्हिच इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर प्रोपेगेंडा व्हिच हैज डिस्ट्रॉयड योर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू डिड। नहीं लेकिन रुचिका ये कहना क्या गलत है कि मकबूजा कश्मीर एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है? एक अनफिनिश्ड एजेंडा नहीं है ये, इनकी जहालत को मेरा सलाम है। मकबूजा कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हम आपके कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, आप हमारे कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं। यहाँ से साफ हो जाता है, वाक्य हो जाता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसमें आप हम कश्मीर तो जहाँ मकबूजा कश्मीर में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो होना चाहिए ना कि उसको यूएन रेजोल्यूशन जो है उसके उसके अंदर भी डिस्प्यूटेड लिखा गया है, और जो आपके भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे शिमला उसमें भी इसको डिस्प्यूटेड लिखा गया है। इसको किसने कह दिया ये? तो आप इसको डिस्प्यूटेड तो मानते हैं, अगर आप इसको डिस्प्यूटेड मानते हैं तो फिर अटूट अंग तो ना हुआ। रुचिका अगर डिस्प्यूटेड आप इसको मानते हैं, अगर डिस्प्यूटेड आप उसको मानते हैं जिसको मुतनाजा कहा जाता है, मुतनाजा टेरिटरी है वो, तो फिर आप उसको अटूट अंग तो नहीं कह सकते? देखिए हिंदुस्तान की स्टेटेड पोजीशन कश्मीर को लेकर यही है कि वो भारत का अटूट अंग है, और जो आप यूनाइटेड नेशंस वाली बात कर रहे हैं उसमें उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा गया है, लेकिन कहीं भी उसको इंडिया को एक ऑक्यूपेशनल फोर्स की तरह अगर कोई दिखाएगा तो वो जायद अहमद ही दिखा सकता है, कोई सोच समझ वाला सूझबूझ वाला इंसान तो नहीं दिखा सकता। जी जायद अहमद साहब ये बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं वो इंडियन टेलीविजन का क्लिप भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा कि इंडिया में टेलीविजन चैनल्स पे इस मामले को किस तरीके से लेकर एड्रेस किया जा रहा है, वो भी सबके सामने खुलकर बात आनी चाहिए कि वहां पर माइंडसेट क्या है। लेकिन जायद अहमद साहब जो अभी रुचिका कह रही थी बात, आप उस पर अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद विल टेक यू टुवर्ड्स द क्लिप। देखिए अली हम सीधी बात जो बता रहे हैं कि इंडिया की ये कंट्रडिक्शन, ये डिसेप्शन, ये साइ ऑप्स, ये झूठ
अब पूरी पाकिस्तानी कौम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब ये इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं तो अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को लीगली यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करने वाला बताते हैं और कहते हैं इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जब अपनी कौम से बात करते हैं, जब अपने एलाइज से बात करते हैं तो इसको अटूट अंग कहते हैं कि अब बात इस पे नहीं हो सकती कि ये कश्मीर में प्लेबिसाइट कभी कराया जाएगा या नहीं, अब तो पाकिस्तानी कश्मीर को लेने की बात की जाएगी। और दूसरी बात आप नोट कीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हमने 1300 साल हुकूमत की है, ये एक गुलाम रहे हैं हमारे, इन दे सफर फ्रॉम अ टेरेबल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये उसी वक्त अच्छा बिहेव करते हैं जब इनको गुलाम बना के रखा जाए। ये तो मुसलमानों को कभी हटा ही नहीं सकते थे हिंदुस्तान से, ये अंग्रेज ने आके मुसलमानों को हटाया तो इनको थोड़ा सांस लेने का मौका मिला। और अब ये हिंदू जायनस वो ख्वाब देख रहे हैं कि बर्मा से लेकर काबुल तक एक अखंड भारत बनाएंगे। ये जो मर्जी मेरा मजाक उड़ा ले, क्योंकि लॉजिक और आर्गुमेंट तो इनके पास है नहीं, लिहाजा ये सिर्फ गालियां देने पे आ जाते हैं, जो इनकी असलियत है। इससे ज्यादा नापाक और पलीत कौम पैदा नहीं हुई कोई, लिहाजा इन लोगों के साथ मेंटेलिटी में आप सिर्फ तलवार की बात कर सकते हैं। You cannot argue with them. ठीक, आप हिंदू ज़ायनिस्ट के साथ, आप मोदी के साथ, ज़ायद अहमद साहब argue नहीं कर सकते। आपका point view मौजूद है। मेरा नाम तलवार है, मेरे साथ जितनी मर्जी तलवार की बात आप कर ले, लेकिन मैं तलवार की बात तलवार की धार चलाकर नहीं करूंगी। मैं आपको आई विल हैंड यू एन ऑलिव ब्रांच, आप तलवार चलाएं मैं ऑलिव ब्रांच दूंगी आपको, क्योंकि मैं आपके लेवल तक गिर नहीं सकती। अफसोस की बात ये है, ये क्या बकवास है, मैं माफी चाहती हूँ, आई डोंट हैव अ बेटर वर्ड फॉर इट, कि हमने इन पर मुसलमानों पर इतने साल 1300 साल राज किया है। आप कौन से जमाने में रह रहे हैं, और आपकी आपकी बातों पर तो गुस्सा नहीं, हंसी भी नहीं आती, तरस आता है मुझे आपकी सोच के ऊपर कि आप पता नहीं कौन से जमाने में रह रहे हैं, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके मिसगाइड कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ कैसे दुश्मनी ले रहे हैं। आपके यहाँ फ्यूचर जनरेशन को मिसगाइड नहीं किया जा रहा है क्या? आपके यहाँ सबको सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कहीं पर किसी को तो आईएसआईएस के सिंपथाइजर हैं, आप कैसे किसी के बात कर सकते हैं कि फलाने कंट्री। मैं चाहूंगा जरा, मैं चाहूंगा कि आपके चैनल्स पे किस किस्म के प्रोग्राम्स नशर हो रहे हैं और वहाँ पे डिस्कशंस को। जी रुचिका, जिस तरह से इंडिया में मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे डिस्कशंस को मैनेज किया जा रहा है और मामलात को वहां पर लोगों तक कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं चाहूंगा जरा आप भी अपने ही टेलीविजन चैनल का ये क्लिप सुन लीजिए कि जिसमें एंकर किस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है और फिर एक पहले से राय कायम करके बैठा हुआ है, ना कि यह कि वो गेस्ट को अपनी राय का इजहार करने दे। जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। आई विल कीप रिपीटिंग दैट क्वेश्चन टिल आई गेट एन आंसर टुनाइट, बिकॉज इफ यू से आई एम गोइंग टू टेक एडवांटेज और फायदा उठाएंगे, देन आई नीड अ क्लियर आंसर ऑन दैट। I need a clear answer on that. Then we move on. Tariq Fateh, someone give me a clear answer, because maybe Hafiz Saeed didn't know that he was on tape. Now you have no answer for that. Well, you can never. Tariq Fateh. Tariq Fateh. Tariq Fateh. Yeah, Tariq Fateh. You see, Arnab, you can never, never, ever expect an honest answer from any Pakistani commentator. They are all part of the military-industrial complex. Even their supposedly neutral commentators will not appear on your show unless the ISI gives them the check mark. Go ahead and do your aman ki asha tamasha. They will never ever admit to the fact that Pakistan invaded Kashmir, that Pakistan slaughtered Kashmiris, that Pakistan committed war crimes by putting its army in civilian uniform, not just in Kashmir in 1947, but again in 1965 and in 1999 in Kargil. These folks, the Urdu speaking and the Punjabi mafia of Pakistan, killed 3 million Bengalis, and they are still silent about it. Every day, 50 Baloch die because of the Pakistan army. What do the face do they have to come on your show and talk about human rights of Kashmir? First of all, फायदा उठाने की बात में तो okay, you want to answer the फायदा उठाने वाली बात? Okay, taking advantage of no, फायदा. Let me give you answer of that. Yeah. The question is that Hafiz Saeed, your paid parrot, your right? You throw a little rupees at him, and then he throws a few rupees at people like Burhanwali. He said, पूरा फायदा उठाइए पाकिस्तान की हुकूमत को, पूरा फायदा उठाना चाहिए बुरहानवाली के डेथ को लेके। ये फायदा उठाने वाली बात जरा समझाइए ना लोगों को, नजरअंदाज नहीं करेंगे हम। सर ये धंधा है। India has got very poor record of human rights, अरे भाई especially in Kashmir, right? जवाब तो दे दो। Whatever you are doing in Manipur, अरे जवाब तो दे दीजिए। जवाब तो दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन वन मिनट सेकेंड क्वेश्चन प्लीज। माई सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज, कैन यू प्लीज टेल मी
व्हाई यू किल्ड अला नजर बलोच, आपने उनकी हत्या क्यों की? व्हाई डिड यू किल अला नजर बलोच? राइट, व्हाई डिड यू, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट, व्हाई डिड यू किल अबू नबी, व्हाई डिड यू किल अब्दुल नबी बंगुलजाई, व्हाई डिड यू किल अब्दुल, व्हाई डिड यू किल अब्दुल नबी बंगुलजाई, अ सीनियर कमांडर ऑफ द यूनाइटेड बलोच आर्मी, व्हाई डिड यू किल हिम? नाजीन, ये इंडियन चैनल्स पर हो रहा है, वहां पर इस तरह से प्रोग्राम्स को नशर किया जा रहा है, ये अंदाज अपनाया जा रहा है, और एक पॉइंट जो कि अपने जहन में पहले से है उसी को इन्फोर्स किया जा रहा है कि बस बात असल यही है, बाकी सब झूठ हैं, बाकी सब झूठे हैं। यहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेनी है ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद लौट के जब आएंगे तो जायद हामिद साहब और रुचिका तलवार हमारे साथ इंडिया से मौजूद हैं, हम दोनों से इसी गुफ्तगु पे जो इंडियन चैनल्स पे भी हो रही है इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाजीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। वक्फे पे जाते हुए हमने आपको इंडियन चैनल के प्रोग्राम का वो हिस्सा दिखाया कि जिसमें आप ये वाज़ह तौर पे देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह की सोच है, किस तरह के प्रोग्राम्स नशर किए जा रहे हैं, एक ही मौकफ इख्तियार किया जा रहा है और हर किसी को यही तासुर दिया जा रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बाकी जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी पेश किया जा रहा है वो सब झूठ है, इसके अलावा और कुछ नहीं, हकीकत से बहुत दूर है, लेकिन हकीकत दरअसल है कुछ और। वक्फे से वापस लौट कर आए हैं, इसी से हम गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं। रुचिका, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी रुचिका, आपके चैनल्स पे, इंडियन चैनल्स पे जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है वो आपके इंडिया में जो माइंडसेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी गुफ्तगू शुरू होती है हाफिज सईद साहब से, आपकी गुफ्तगू खत्म होती है हाफिज सईद साहब से, कोई बात आपसे हाफिज सईद साहब का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं होती है, यूं लगता है कि सोते हुए भी आपको हाफिज सईद नजर आते हैं, जागते हुए भी आपको हाफिज सईद नजर आते हैं, मतलब यू हाफिज सईद इज एवरीथिंग, तो आप इससे बढ़कर भी कोई बात तो कर सकते हैं? मतलब हर बात घूम फिर के आपकी वहीं पर आती है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ करवा रहे हैं वो हाफिज सईद करवा रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि सोते हाफिज शहीद जिसको आप साहब कहते हैं वो ही नजर आते हैं, उसकी वजह ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो वो बंबई में हमले करवा देते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं तो वो पठानकोट में टेररिस्ट अपने जो प्रत्यादे हैं अपने उनको भिजवा देते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हाफिज सईद ने वाकई पूरे खित्ते का जो अमन और चैन है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। ही इज अ क्रिमिनल ऑफ साउथ एशिया, वो पूरे खित्ते का गुनहगार है। आप उसको साबित कर दीजिए अगर वो पूरे खित्ते का, अगर वो क्रिमिनल है, पूरे खित्ते के वो सबसे बड़े क्रिमिनल है, तो आप उनको साबित कर दीजिए कि इज अ क्रिमिनल। कोई ना कोई वो ऐसी बात कर जाते हैं जो एंटी ह्यूमैनिटी होती है, मैं समझती हूँ कि उसको एंटी इंडिया। इंडिया में बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में खिलाफ बात करते हैं, जिस तरह हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, तो क्या जो भी इंडिया में ऐसी बात करेगा हम उसको भी क्रिमिनल कह देंगे? जी सबसे बड़ा रीजन का क्रिमिनल वो है कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, मतलब कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए। मेरी बात सुने, अगर आपके पास किसी इंडियन के खिलाफ है, इंडियन इंटेलिजेंस के पास हाफिज सईद के खिलाफ है, जैश मोहम्मद के खिलाफ है, आप करें बिल्कुल, अगर आपके पास ऐसी एविडेंस हो तो वो भी उसी तरीके तनकीद का हकदार है जैसा हाफिज सईद है, बिल्कुल करें, क्यों नहीं। आई एम अ फेयर पर्सन, जो जो इंसान गलत बात करता है उसकी तनकीद होनी चाहिए, वो भारत का हो, पाकिस्तान का, बिल्कुल होनी चाहिए, शिवसेना पे भी तनकीद होनी चाहिए, शिवसेना के बारे में भी इसी तरह की बात होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है वो यहाँ से स्पॉन्सर हो रहा है, हाफिज सईद करवा रहे हैं, तो जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जिसका अभी इस प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ और पूछा जा रहा था, बार बार चीख चीख के पूछा जा रहा था कि जी ये बताएं कि अल्लाह नजर बलोच के बारे में क्या हुआ, उसको किसने मारा, फिर जो दीगर मेहमान हैं वो भी इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जी कारगिल में क्या हुआ, पाकिस्तान पर इल्जाम के जी 3 मिलियन बंगालीज को पाकिस्तान ने मरवाया। अली मुमताज साहब, अफसोस इस बात का लगता है कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको कश्मीर से आप नहीं कंपेयर कर सकते, कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है। आप अपने घर को संभाल के रखिए ना, आप दूसरे के सर पे क्यों लगा रही है, आपकी कमी है कि आप अपने घर को संभाल के नहीं रख पाते। की कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ आपके टेलीविजन चैनल पे बलूचिस्तान को कश्मीर के साथ रिलेट किया जा रहा है और बलूचिस्तान की मिसालें देकर कश्मीर के साथ बात की जा रही है, देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं। जी बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए सर, एक सेंटेंस कंप्लीट हो लेने देना, बाद में बात करते हैं, ठीक नहीं। मैं ये कह रही हूँ, बलूचिस्तान आपके घर आपके मकान में एक कमरा है, कश्मीर आपके और हमारे दरमियान एक ऐसा आपके आंगन है जिसके ऊपर जायदाद का बंटवारा, बंटवारे की लड़ाई हो रही है, आप अपने कमरे को तो हिफाजत दें,
आप क्यों दूसरे के ऊपर हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि जी आप बलूचिस्तान में ही करते हो? हम भाई क्यों, हम बलूचिस्तान में कुछ कर ही नहीं सकते अगर आप अपने लोगों को खुश रखें? आप कश्मीर में जो हो रहा है उसको बलूचिस्तान के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है, जाहिद अहमद साहब, ये है कि कश्मीर में वही लोग नजर आते हैं जो अली कश्मीरी पंडित, अली मैंने की आर्गुमेंट कश्मीरी पंडित भी तो कश्मीरी है ना, जो इनको चुप करा तो मैं बात कर रहा हूं। जी 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 साहब प्लीज गो अहेड। क्या उनका हक नहीं है कश्मीर के? अली ये बात इनकी 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 बात, इन्होंने इससे पहले बात की कि हम तो आपको ऑलिव ब्रांच देना चाह रहे हैं। बीजेपी और बाल ठाकरे और बजरंग दल की और मोदी का एक स्लोगन है इंडिया में कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये इनकी सारी डिसेप्शन और झूठ और प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन है कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, कश्मीर को अटूट अंग अपना तस्लीम करते हैं। दूसरी बात, बलूचिस्तान की बात इन्होंने खुद एक्नॉलेज कर ली कि जी हम बलूचिस्तान में दखल इसलिए देते हैं कि आप वहां पे अपने लोगों को काबू नहीं कर पाते। कुलभूषण यादव को हमने बलूचिस्तान से पकड़ा है, उसने इंडियन सर्विंग नेवल ऑफिसर। इस तरह अजीत कुमार डोवल अपने मुंह से कह चुका है कि वो टीटीपी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ एक इंसर्जेंसी बिल्ड कर चुका है। ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने फौजें किस आर्गुमेंट पे दाखिल की थी? ईस्ट पाकिस्तान में जो था हमारा पॉलिटिकल मसला था, इंडियन आर्मी क्यों दाखिल हुई? इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को डिसमेंबर क्यों किया? अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट एग्रीमेंट? तो दिस इज द पॉइंट, हम इस ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि वी नो इट वेरी क्लियरली कि इंडिया का इलाज सिर्फ यही है कि हम अजीत कुमार डोवर और कुलभूषण यादव को रिस्पॉन्ड करें उसी जबान में जो ये समझते हैं। अब हमको चाहिए कि हम खुलकर एग्रेसिवली कश्मीर की रेजिस्टेंस को, तहरीक आजादी को सपोर्ट करें, सिखों को, खालिस्तान को सपोर्ट करें, नक्सलाइट्स, माओज और सेवन सिस्टर्स स्टेट्स को सपोर्ट करें। एंड वी शुड पे बैक टू इंडिया इन द सेम कॉइन जिसमें इन्होंने हमें ईस्ट पाकिस्तान में हमें चोट लगाई, हमें टीटीपी के जरिए 100,000 पाकिस्तानी शहीद किए और बलूचिस्तान और एमकेएम के जरिए यह बगावत बर्पा करवा रहे। हिंदू वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ सोर्ड। 1,000 साल हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह इन पर हुकूमत की थी यही जबान ये समझेंगे। यू पीपल आर ओनली इनसेन प्रोपेगेंडा लायर्स, दैट्स ऑल व्हाट यू आर, एंड डोंट यू वरी, वी विल डील विद यू प्रॉपर्ली ऑन दिस। वी हैव डेल्ट विद यू, हमने आपको सारी डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को लगा के डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब मैं बोलूं, हो गया आपका? आप सिर्फ आप सिर्फ असलियत अपनी नस्ल दिखा सकते हैं। आपको मतली लगी होती कि आपने बस वो जो आया आपकी कही हुई बात का जवाब मैं चाह रहा हूँ जाहिद अहमद मुकम्मल कर लें। जाहिद अहमद, जो अभी बात की रुचिका ने, आप प्लीज काइंडली उसका जरा जवाब दीजिएगा कि बलूचिस्तान का जो मामला है उसमें आपके मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं कि जी आप अपने मुल्क को संभाल लें, आप कहां डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरफ चल पड़े हैं? अभी मैंने बोलना है जो ये आप कह रहे थे ना कि इंडिया का ऑब्सेशन है। देखिए अली, हम अपने ही मुल्क को संभाल रहे हैं। हम अगर इंडिया अगर प्रॉक्सी पाकिस्तान में भेज रहा है तो पाकिस्तान, आप लोगों को जानते उठते बैठते अजीत डोवाल ही नजर आते हैं हर जगह। लाइफ ऑफ योर ओन, स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट इंडिया इज डूइंग, थिंक अबाउट योर ओन पीपल। अपने लोगों का फायदा करो, नहीं खैर, अपने लोगों को खुश रखो। खैर रुचिका, जितना आप मानते हैं, जितना हाफिज सईद का आप जिक्र करते हैं, शायद आप जब जाकर इबादत करते होंगे तो इतनी इबादत नहीं करते जितनी आप हाफिज सईद साहब को याद करते हैं। नहीं उतना आप लोग अजीत डोवाल को करते हो दिन में, नहीं, 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 उसके नाम हम, की हम हम हर के जो है वो हम इतना ही जिक्र नहीं करते कि जितना जिक्र आप कर रहे होते हैं। आपको शायद यूं लगता है कि जिस तरह आपको खाना हजम नहीं होता है, हाफिज सईद का नाम ही इंटेलिजेंस ऑफिसर आपकी कंट्री में ना हुआ पैदा ना होगा, आपको जेलसी है इस चीज की। राइट, ये आपका ओपिनियन है, लेकिन आपको तो खाना भी शायद हजम नहीं होता है हाफिज सईद का नाम लिए बगैर, और जिस किस्म की गुफ्तगू आपके प्रोग्राम्स में वहां पर इंडिया में हो रही है, हम फिर बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, हवा में तीर नहीं चला रहे होते। अली आपने देख लिया इनकी आर्गुमेंट को? जी, लेट मी कंप्लीट नाउ। अली आपने देख लिया इनकी आर्गुमेंट को? जी, इनके साथ कोई बात नहीं की जा सकती, यू कैन नॉट टॉक टू देम। जी जाहिद अहमद साहब, अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है। जी अली, हम आपको यही बात कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में भी आई विश आपने किसी सीनियर रिस्पॉन्सिबल समझदार आदमी को बुलाया होता, ही तो स्ट्रीट लैंग्वेज पता नहीं किस गुफ्तगू करने वाली खातून को आप ले आए। जाहिद अहमद साहब, वहां पर यही चल रहा है, आर्गुमेंट करना चाहते हैं, यही हालात हैं जी। तो उनकी सारी, असल में तो उनकी सारी बॉलीवुड की जो नपाक और पलीत जबान है वही उनकी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो रही है, वही उनके लीडर्स यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, इनमें कौन से डिप्लोमेसी और आर्गुमेंट है? इनके साथ आप अच्छी तरह समझ लीजिए, दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सोर्ड।
इनसे आप उसी तरह बात कर सकते हैं। हम अजीत कुमार डोवल और कुलभूषण यादव की उस बगावत का जवाब देना चाहिए अब हमें कि जो ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। वी हैव टू रिस्पॉन्ड इन साइड इंडिया नाउ, वी हैव टू इग्नाइट every part of India and let the Indian establishment listen to this that we Pakistanis are capable of breaking Soviet Union and we will take revenge of East Pakistan no matter what you come up with ki hum aap se baat karenge aur argument karenge bakwas mat kare baap hum achhi tarah jante hain tumhare dilon mein kya hai aur ab ghazwa hind tumhari sari khurafat ka jawab inshallah ghazwa hind mein diya jayega we will inshallah that is written program ko hum close kar rahe hain aapka bahut bahut shukriya ki aapne waqt diya रुचिका दलवार आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इंडिया से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय दहशतगर्दी है इस पर बात हुई और जो इंडियन सोच है उसका अंदाजा आपको उस गुफ्तगू से हो गया होगा कि जो हमने आपको वो टेलीविजन चैनल पर एक नशर होने वाले प्रोग्राम में दिखाई और फिर रुचिका की भी गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिस तरह से वहां पर चीख के चिल्लाकर